नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे आज वेलकम है आपका हमारे चैनल में। कि आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज एक हमारा नया वीडियो है, जो वीडियो के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास मैडम है, नमस्कार मैडम। तो आज हम बात करेंगे कुछ छोटे से ब्लड बैंक के बारे में, यानी ब्लड बैंक के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, तो वो हम क्वेश्चन मैडम से आज पूछेंगे। तो मैडम आज हमें बताने वाली है, तो भाई वीडियो को पूरा देखें। और जो ब्लड जो आपके मतलब ब्लड बैंक वाले जो भी लोग नए स्टूडेंट हैं या नए कोई अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस वीडियो को आप पूरा देखिए, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी बात आपको पता नहीं लगेगी। तो चलिए स्वागत करते हैं इसी के साथ। जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, तो मैडम आप पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड बैंक है क्या। जैसे मान लो अगर ब्लड बैंक है क्या, तो उसके बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताइए, ब्लड बैंक के बारे में कुछ बताइए। ब्लड बैंक एक ऐसा एक डिपार्टमेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैडम जो बता रही हैं थोड़ा सा तेज बोलिए मैडम। ब्लड बैंक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ब्लड जो है स्टोर होता है। okay. जब भी आपको नीड हो, किसी पेशेंट को नीड है या किसी भी लोगों को चाहिए ब्लड, तो वो स्टोर होगा। उसके अकॉर्डिंग ब्लड अलग अलग कंपोनेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, तो एक तरह से कंपोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं। जी, एक ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर ब्लड स्टोर होगा, सिंपल वे में हम कह सकते हैं, जहाँ ब्लड स्टोर होता है, ब्लड बैग स्टोर होते हैं, उनको हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड बैंक। जहाँ पर स्टोर होगा वो हमारा ब्लड बैंक है। ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, एक चीज और इसमें बोलना चाहते थे कि मान लीजिए अगर कोई ब्लड डोनेट करने जाता है और उसकी जो मिनिमम एज, या मतलब एज का भी कुछ ऐसा कुछ होता है कि उसकी एज इतनी होनी चाहिए, या इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इससे कम नहीं दे सकता, ऐसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। जी हमारे दर्शकों को बताइए मैम क्या होता है। बिल्कुल होता है ऐसा कि अब छोटे बच्चे तो है नहीं, 18 से कम के एज के जो है वो ब्लड देने जा रहे हैं। सुनिए, 18 से कम एज के जो बच्चे हैं वो ब्लड नहीं दे सकते हैं। मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, तो वो ही दे सकते हैं। और अगर उससे कम वाले देंगे तो उनको तो उल्टा ब्लड देना पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें कोई मैक्सिमम भी एज कैसा कुछ रहता है कि मान लीजिए कोई अगर एजेड है, 70 है, 80 है या 60 है, जो भी है, तो वो भी दे सकते हैं? नहीं, उनका ऐसा होता है कि कुछ सेल्स वगैरह ब्लड बनना थोड़ा कम हो जाता है ओल्ड एज में। ओके. तो मैक्सिमम एज जो है वो 65 इयर्स जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, 65 इयर्स मतलब 65 के बाद मिनिमम मैक्सिमम जो एज है आपकी 60-65 है, ठीक है, उससे ज्यादा के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और पूछना था मैम कि अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जैसे अब किसी का ना वेट कम होता है, किसी का वेट ज्यादा होता है, तो उन सिचुएशन में क्या मतलब उनका भी हम ऐसा कर ब्लड डोनेट वो कर सकते हैं या उनका हम ब्लड ले सकते हैं, ऐसा कुछ है आपको तो बताइए। हाँ, वेट जो है, वेट भी इसमें मैटर करता है। ज्यादा जो वेट है, कम से कम वेट जो है वो 45 केजी जो है वो होना ही चाहिए, उससे नीचे वाले अंडर वेट वाले ब्लड नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसा कुछ एक वो है ना कि जैसे अगर मान लीजिए किसी का वेट जो है 45 से 55 है, ठीक है, तो वो कितना दे सकता है ब्लड? अगर मान लीजिए किसी की 55 से अबव है तो वो कितना मतलब ग्राम जो होता है, जो मतलब उसका पैकेट होता है, तो वो कितना ऐसे दे सकता है, मतलब जैसे 45 से और 55 के बीच में दे सकते हैं और वो लोग आपको कितना वेट दे सकते हैं? हाँ, जो 45 से 55 केजी जिनका वेट है वो जो है आपका 350 ml का ब्लड बैग होता है, उसमें उनका ब्लड। अच्छा, 350 ml का ब्लड होता है जो 45 से 55 की एज होते हैं वो जिससे दे सकते हैं। दो तरह के ब्लड बैग होते हैं, 350 ml और एक 450 ml। ओके, उससे ज्यादा वाले जो एज वेट के होंगे उनका 450 ml में कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब जो 45 से 55 है वो 350 ml होता है वो दे सकते हैं, और 55 से जिनका वेट ज्यादा है वो 45 के लिए ही, मतलब जो 45 ग्राम होता है, जो उनका बैग होता है, ब्लड बैंक बैग होता है, उसमें दे सकते हैं 450 के ml ब्लड में, वो दे अपना उनका ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में कर रहा था मैडम, इसका कोई क्या बोलते हैं, इसमें कोई कुछ जैसे मान लीजिए किसी कोई सैंपल देता है, अब मान लीजिए कोई डायबिटीज है, ठीक है, और कोई अगर मतलब उसको सिंड्रोम है, जैसे HIV हो गया, डायबिटीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो क्या हम उस का ब्लड ले सकते हैं या उसका नहीं ले सकते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है, मतलब क्या है इसका? ये जो है, पहले आप ब्लड देंगे, जैसे ही ब्लड देने आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें से गुजरना पड़ता है।
आपका वो पूरा डॉक्टर बैठे होते हैं साथ में, वो सब चेक करते हैं कि बीपी कितना है, शुगर है या नहीं है, वो सारा डॉक्टर की देख देख में किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि ब्लड लेने के बाद भी उस पेशेंट जो ब्लड डोनर है उसके टेस्ट किए जाते हैं कुछ। अच्छा, उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा? हाँ, कुछ टेस्ट होते हैं, वो ब्लड टेस्ट करना मैंडेटरी होता है उस केस में, ताकि जो है उनका ब्लड। अच्छा, कुछ थोड़ा हमें बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कि मतलब उनका क्या, मान लीजिए नॉर्मल टेस्ट छोटा मोटा जैसे कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट मेन किए जाते हैं, एक मलेरिया का टेस्ट होता है, मलेरिया का, HIV का होगा, HBsAg होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जितने भी इन्फेक्शन रिलेटेड है वो सारे ब्लड टेस्ट करे जाते हैं परफॉर्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन, एक काफी दर्शकों का क्वेश्चन इस तरह से आया था कि ये बताइए मैडम, जैसे हमारा ब्लड लेते हैं तो ब्लड जो लेते हैं तो वो उसको हम कितने समय तक या कितने टाइम तक, मतलब कितने दिनों तक उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है कि कितने समय तक हम इसको रख सकते हैं? हाँ, इसमें जो होता है हमारा होल ब्लड मतलब उसमें सारे ही ब्लड के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो जब हम, अगर मान लो होल ब्लड की ही रिक्वायरमेंट है, तो होल ब्लड की स्टोरेज जो होती है वो होती है हमारी 35 डेज के लिए हम होल ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। 35 डेज, यानी इसको हम स्टोर कर सकते हैं 35 डेज के लिए, ठीक है। अब इसका जो एक कुछ होता है ना कि ये कुछ मतलब इसको हम कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, किस लिए रखते हैं, तो इसका भी कुछ है? तो इसका टेम्परेचर भी होता है, एक तो हमारा स्टोरेज की कितना हो गया, 35 डेज के लिए हमने स्टोर करके रख दिया, एक कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, वो 2 to 6 degrees Celsius टेम्परेचर में हम, यानी 2 to 6 degrees Celsius होता है, यानी 2 2, यानी 2 और 2 6 इतना होता है। अच्छा, एक चीज और पूछना था, मान लीजिए अगर स्टोर टेम्परेचर 30 degrees Celsius अबव होता है तो वो जैसे उसको कितने में, क्या किस महीने के लिए रख सकते हैं? 30 डिग्री वाला जो उसको बोलते हैं PFFP, उसका क्या PFFP? ब्लड का ही पार्ट है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, इसका क्या है? ये जो होता है ये जैसे मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो गया या सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो उसमें हम पेशेंट को जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे, और ये बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पर जो है वो स्टोर करके हम उसको रखते हैं। अच्छा, और इसकी इसको स्टोर जो है हम 1 साल तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 ईयर तक? या 1 ईयर। अच्छा, इसको 1 साल तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये इसके टेस्ट भी आपने बता दिए, इस तरह से इसके टेस्ट वगैरह भी होते हैं। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था ये कि अगर मान लीजिए एक था जैसे क्रॉस चेक, अब क्या होता है ना कि जैसे हम कहीं ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में क्रॉस चेक का क्या मतलब होता है कि अगर हमने एक यहाँ से टेस्ट करवाया, जैसे मेरी कोई रिपोर्ट्स आई है, अगर डाउट्स है तो हमने क्या किया, एक इस लैब से करा लिया, मान लीजिए हमने डॉक्टर लाल पैथलैब, हमारा डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ से करा लिया, हम किसी दूसरी और लैब से करा लेते हैं, मान लीजिए कोई भी लैब है, SRL है, HOD है, कोई भी लैब और भी है, तो हम उससे क्रॉस मैच, तो उसमें क्या करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया और उसका रिजल्ट क्या है, तो आपके ब्लड बैंक में भी ऐसा कुछ होता है? क्रॉस मैचिंग का कोई सिस्टम होता है? इसमें ये है कि आपने जो केस बताया उसमें ये है कि अलग अलग लैब से कर रहे हैं, बट ब्लड बैंक में ये होगा कि क्रॉस मैच तो होगा, लेकिन वो डोनर और पेशेंट के बीच का होता है। डोनर और पेशेंट के बीच का क्रॉस मैच होगा, जो डोनर है और पेशेंट जो है, जिसको देना है और जो डोनर जो दे रहा है उनका होगा, उनका क्या क्रॉस मैच होगा? हाँ, उनका ये होता है कि क्रॉस मैच अब क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए, वो इसलिए करेंगे ताकि मान लीजिए डोनर ने रेसिपेंट, अब जो ब्लड ले रहा है उसको हम रेसिपेंट कहते हैं, रेसिपेंट क्या? रेसिपेंट पेशेंट। ओके, डोनर जो ब्लड दे रहा है उसको डोनर बोलेंगे और जो रिसीव कर रहा है उसको रेसिपेंट कहते हैं। हाँ, जो रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे रेसिपेंट, और डोनर तो डोनर ही होता है। तो जो मान लीजिए रेसिपिएंट का हम देखेंगे कि इसका ब्लड इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं डोनर के साथ, इसलिए ये जरूरी होता है, क्रॉस मैच में ही हमें पता लगता है। हम पेशेंट का सीरम लेते हैं और पेशेंट, सॉरी, डोनर का हम सीरम लेंगे और पेशेंट का हम वो RBC से मैच करवा के उसमें अगर एग्लूटिनेशन आता है तो वो मतलब कि कंपैटिबल नहीं है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आएगा, सॉरी, नहीं आता है तो उसको हम नहीं दे सकते, कंपैटिबल नहीं है, और अगर आ जाएगा तो फिर कंपैटिबल है तो उसको हम ब्लड दे सकते हैं, यानी हम ब्लड चढ़ा सकते हैं उसको। हाँ, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे थे। हाँ, कहने का मतलब लास्ट में ये था कि कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी जो डोनर दे रहा है उसको इन्फेक्शन है,
तो वो उसको अलग पेशेंट को चढ़ा रहा है, तो वो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि उस पेशेंट को भी। चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैडम से, एक क्वेश्चन ये है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वो जो ब्लड ग्रुप, जैसे लोग बोलते हैं कि उसका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसा कुछ है, ठीक है, उनका ए पॉजिटिव, तो वो ऐसा प्रक्रिया को, जैसे अब मान लीजिए हमारा स्टोरेज है, ये हमारा स्टोरेज एक हो गया, मान लीजिए अगर ये ए का है, बी का है और ये ए बी का है, ठीक है, ओ का है नेगेटिव, ओ पॉजिटिव का है, ऐसा कुछ होता है उसमें, तो उसकी भी कोई कैटेगरी ऐसी कुछ होती है? कैटेगरी तो नहीं होती, ब्लड ग्रुप जो है हमारे काफ़ी टाइम के टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा काफ़ी टाइम टाइप के होते हैं, तो ये अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग के अकॉर्डिंग है। वैसे तो हमारे दो ही एंटीजन होते हैं, एक ए और एक बी, तो एक ब्लड ग्रुप जो सबको पता होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, हाँ वो सबसे हमारा चलता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम पे बने होते हैं। अच्छा, जिसका किसी का होता है ओ नेगेटिव, तो वो बताते हैं बड़ा ही क्रिटिकल होता है, मतलब बहुत कम चांसेस मिलता है। अब कोई पेशेंट अगर ओ नेगेटिव चला जाता है हॉस्पिटल में, तो बताते हैं कि उनका ब्लड ले लेते हैं, हाँ ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ये है कि ओ नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में जो है ये ओ नेगेटिव मिलता है, मोस्टली लोगों का ए बी ए पॉजिटिव ये सब होता है, तो ओ नेगेटिव का जो हमारे एंटीजन या एंटीबॉडीज होती हैं वो रेयर होती हैं, इसलिए जो है ये रेयर होता है। बाकी इसका कभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, तो कोई नहीं, उसका हम थोड़ा कर करके आगे बनाते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको डालते रहेंगे इस बारे में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसी के साथ मैडम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब देखिए, आपको इस तरह के वीडियो अगर जिसको मतलब जानना है, कुछ जानना है, तो हम इसमें कल और डिस्कस कर लेंगे इस बात पर। तो अब आप लोग इसमें कमेंट हमें ये कर सकते हैं कि जो हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करें, ठीक है, उसी तरह से अगर होता है ऐसा कुछ, तो आप लोग भी अपना कमेंट हमें दे सकते हैं कि जो विचार मैडम ने बताए हैं, अपना जो रखा है कुछ, हमने जो क्वेश्चन रखे उस पर बताए, तो आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आज हम बात कर लेते हैं कि माल जिस तरह से बताया, कल एक नया वीडियो इसी ब्लड बैंक पे ही होगा हमारा, उसमें जो क्वेश्चंस हमारे कुछ छूट गए हैं, जो हमने राइट डाउन नहीं कर पाए थे मैडम से पूछने के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उनको पूछेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।